सिलसिले में एक अपना अनुभव जोड़ना चाहता हूँ कि पिछले साल 14 अप्रैल का समय था, माफ कीजिएगा कुछ लोग मुझे लगता है कि हिंदी नहीं समझ पाए, सो इसकी कोई व्यवस्था ठीक है। तो 14 अप्रैल को संसद मार्ग, हम सब दूरदर्शन के ज़माने से देखते आए हैं कि एक संसद मार्ग है, चिट्ठी भेजने का एक पता होता था कि उसमें संसद मार्ग में पोस्ट बॉक्स नंबर इतना इतना, संसद मार्ग नई दिल्ली इतना इतना। वहाँ पे हर 14 अप्रैल को उस दिल्ली शहर में पूरे दिन भर में लाख दो लाख लोग आ जाते हैं, और जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती जब मनाई जाती है उस दिन, तो मैं पिछले साल गया, मैं कई बार जाने का प्रयास कर रहा था लेकिन कभी वो संडे को पड़ जा रहा था, कभी मेरे पास स्लॉट नहीं होता था कि मैं जाके वहाँ पर दिखा सकूँ। तो एक लड़की आई और लड़की ने कहा कि उसके हाथ में आईफोन था, आपने देखा भी होगा अगर आपने से किसी ने देखा होगा, तो काफ़ी एजिटेटेड थी, आंखों में आंसू थे, गुस्सा था कि ऐसा क्यों है कि आज अंबेडकर की जयंती है और कहीं पे कोई एक लाइन नहीं है। हम जो यहाँ पे हज़ारों की संख्या में जमा हुए हैं, इसका कहीं कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। उससे पहले मैं उस जगह पे काफ़ी घूम फिर रहा था और देखा कि लोगों से बात करते हुए कि एलिनेशन का सेंस जो होता है कितना ख़तरनाक होता है। हर दूसरे बंदे ने जिसने मुझे देखा और पहचाना, उसने यही एकमात्र सवाल किया कि ये जो आप शूट कर रहे हैं दिखाएंगे क्या। तो मैंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, तुम तो दिखाएंगे इसमें ऐसा क्या है जो यहाँ नहीं दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि आज तक हम इस जगह पर आने के लिए हम पूरे साल का कैलेंडर का हम प्लानिंग करते हैं कि जब 14 अप्रैल का दिन आएगा तो हम संसद भवन के बाहर खड़े होकर लाइन में 4 बजे सुबह से 3-3 घंटे का की कतार में इंतज़ार करके हम जाकर बाबा साहब की मूर्ति पर माला चढ़ाएंगे, लेकिन कोई पत्रकार यहाँ पे नहीं आता है। मुझे थोड़ा विश्वास नहीं हुआ, मुझे लगा कि शायद आता होगा, कोई आपने देखा नहीं होगा।